सो हे गाइस व्हाट्स अप भाई, सो गाइस आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का वीडियो भाई लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वाले वीडियो पे हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं गाइस फॉरजा होराइजन 5। एंड गाइस आज हम लोग फॉरजा होराइजन 5 के अंदर एक खतरनाक सा भाई सब सुपर लग्जरियस सेलिब्रिटी कार खरीदने जा रहे हैं। एंड वो गाड़ी भाई प्रॉपर ऑफरोडिंग गाड़ी है भाई, लग्जरियस ऑफरोडिंग आप लोग कह सकते हो। तो अभी वो गाड़ी कौन सा गाड़ी है एंड उस गाड़ी को लेके भाई हम लोग तगड़ा वाला ऑफरोडिंग किया एंड देन वाटर क्रॉसिंग किया, क्रैश टेस्ट किया, बहुत कुछ किया गाड़ी के साथ। तो गाइस अभी ज्यादा वेट का करने है, चलो अपने गेम की स्क्रीन पे आते हैं। सो भाई सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। एंड अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास है भाई पॉल वॉकर का मोस्ट फेवरेट मोस्ट डिमांडेड गाड़ी सुप्रा MK4 भाई सब है, हम लोग का रेसिंग एडिशन है, गाड़ी में बहुत ही तगड़ा पावर है। एंड गाइस आज हम लोग एक खतरनाक सा सुपर लग्जरियस ऑफरोडिंग कार परचेस करने वाले हैं। एंड वो गाड़ी भाई बहुत सारा सेलिब्रिटी यूज करते हैं, हम लोग का बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं, देन टॉलीवुड एंड हॉलीवुड का सेलिब्रिटी भी यूज करता है। उस गाड़ी का नाम भाई आप लोगों को आगे चलते चलते बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अगर पता नहीं है मेरे इस वाले सुप्रा MK4 का टॉप स्पीड कितना जाता है, तो गाइज अभी आप लोगों को ऑफ रोडिंग भी दिखाएंगे इस गाड़ी के साथ। एंड देन गाइज हम लोग इस गाड़ी को हाई के ऊपर अभी ले चलेंगे सुप्रा, अपने सुप्रा MK4 को। एंड देन भाई भगाने के बाद देखेंगे इस वाले गाड़ी का टॉप एंड कितना क्या जाती है। एंड आज हम लोग खरीदेंगे जो लग्जरियस ऑफ रोडिंग गाड़ी, उस गाड़ी को भाई सीधा ले जाएंगे फॉरेस्ट के अंदर। गाइज फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के बाद उस गाड़ी को फुल पावर गाइज हम लोग ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे, टॉप एंड चेक करेंगे भाई, क्रैश टेस्ट भी हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा खतरनाक गेम प्ले होने वाली है आज का गेम प्ले भाई, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं रोड के ऊपर, लेकिन हाईवे भाई किधर है, हाईवे अपन को दिख नहीं रहा है। ओके एक मिनट में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ हाईवे कितना दूर है। एंड सामने ही है हाईवे, आप लोग देख सकते हो, मुझे जाना है गाइस इस वाले रूट पे, तो हम लोगों को इधर से लेना पड़ेगा लेफ्ट। एंड देन गाइस इधर से हम लोगों को वापस एक राइट। ओह लिटरली ओ हो गाड़ी में पावर तो देखो गाइज, इस गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा पावर है ना, गाड़ी का हैंडलिंग भाई पूरा खत्म हो चुका है। ब्रेकिंग तो भाई पूछो ही मत, आप लोगों को ब्रेकिंग दिखाओ क्या, देखो 200 में हम लोग आ चुके हैं। देखो भाई ब्रेक है ही नहीं भाई साहब, गाड़ी पे ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक तो छोड़ो भाई हैंडलिंग एकदम नहीं है, गाड़ी का हैंडलिंग पूरा जीरो हो चुका है। बहुत ज्यादा मुश्किल से गाड़ी कट बूट लेता है, आप लोगों ने देखा भाई गाड़ी कैसे हम लोगों को क्रैश हो रही है। फिलहाल अभी कोई ना भाई साहब, हम लोग चलते हैं हाईवे के ऊपर। एंड देन बॉयज इस वाले गाड़ी को लेके एक बार टॉप एंड करना पड़ेगा भाई, पॉल वॉकर का मोस्ट फेवरेट गाड़ी है सुप्रा MK4। एंड अभी तो सुप्रा MK भाई अपना भाई इंडियन मतलब मोटो व्लॉगर में आता है बाबू भैया ने खरीदा है सुप्रा MK5 भाई साहब, वो गाड़ी तो जहर है भाई, जहर गाड़ी है। फिलहाल अभी चलो कोई ना, इधर पे हम लोगों का गाड़ी फुल पावर ड्रिफ्ट के साथ ओके हाईवे के ऊपर आ गए। चलिए फाइनली हम लोग हाईवे के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इधर से 3-2-1 कर ले क्या, चलो इधर से 3-2-1 कर लेते हैं। आप लोग बस टॉर्क चेक करना भाई साहब, गाड़ी का लिटरली टॉर्क इतना ज्यादा खतरनाक है। रुको बैक गियर से हटाते हैं गाड़ी, ओके चलो 3-2-1 करे क्या, क्रैकल सुनो भाई, आप लोग क्रैकल सुनो भाई, व्हाट अ क्रैकल। चलिए थ्री ओके मैं हॉर्न यूज करूंगा, ओके थ्री, अबे हॉर्न यूज नहीं हो रहा, 1-2-3 लेट्स गो भाई साहब, मतलब ओ लो लो गाड़ी भाई क्रैश हो रही है, आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी का हैंडलिंग खत्म हो गया पूरा। चलिए कोई नहीं भाई, 300 क्रॉस इतना जल्दी, 300 क्रॉस, गलत सीन भाई, मेरा गाड़ी देखो किधर चला गया। गाड़ी में दम तो भाई बहुत ज्यादा है, मानना पड़ेगा गाड़ी में बहुत ही तगड़ा दम है। फिलहाल रुको भाई, ऐसे तो नहीं होगा, सामने रास्ता भाई, ओके सामने रास्ता खत्म हो चुका है, मींस मुझे गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। मैं एक मिनट में गाड़ी को घुमा लेता हूँ और एक बार इधर पे टॉप एंड चेक करता हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी का टॉप एंड बहुत ज्यादा है भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा है अभी। ओके भाई टॉर्क देख रहे हो आप लोग, हम लोग 3-2-1 वापस से करेंगे, सो 3-2-1 लेट्स गो, 100 टच भाई, 200 क्रॉस, लिटरली भाई 200 क्रॉस हो चुका है ये गाड़ी में, 300 क्रॉस, 400 मतलब कुछ, ओ लिटरली 400 क्रॉस, ओ हो जहर ब्रो, कोई है क्या, किसी में दम है क्या भाई, नॉट गेमर प्लीज भाई, करना चाहते हो क्या आप मेरे से रेस, आ जाइए भाई मैं रेस करूंगा आपके साथ, 445 ओ माई गॉड 445 भाई, लिटरली ब्रो, व्हाट अ स्पीड, सुप्रा MK4 लीजेंड ब्रो, लीजेंड गाड़ी है सच में भाई, मानना पड़ेगा। 450 टच गाइस, फाइनली हम लोगों ने इस गाड़ी के साथ 450 टच कर दिया, आप लोग देख सकते हो क्या ही हम लोगों ने पावर प्रोड्यूस किया, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया।
फिलहाल आप लोगों ने देख लिया भाई अपना सुप्रा MK4 का टॉप एंड। अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा था गाइज, मैं कौन सा ऑफ रोडिंग कार आज परचेस करने वाला हूँ। ओके थोड़ा अभी शांत होने देते, अपना गाड़ी बहुत ज्यादा रोड कर रही है। तो गाइज आज हम लोग परचेस करने जा रहे हैं यहाँ पर, चलो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ही बताएंगे। यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे न्यू गाड़ी, तो हम लोग कौन सा कंपनी का गाड़ी परचेस करेंगे वो सबसे पहले बताते हैं। भाई लैंड रोवर का गाड़ी परचेस करने वाले हैं। ओके गाइज अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब समझ आएगा, लैंड रोवर मींस मैं कौन सा ऑफ रोडिंग गाड़ी बोल रहा हूँ, वो भी लग्जरियस ऑफ रोडिंग। तो सबसे पहले मुझे लैंड रोवर कंपनी में जाना है, एक मिनट। ओके तो अभी हम लोग लैम्बोर्गिनी पे आ चुके हैं, अभी लैंसिया, देन अभी लैंड रोवर फाइनली। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज हम लोग खरीदने जा रहे हैं रेंज रोवर विलार। भाई सब लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। अभी देखते रेंज रोवर का और कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं रेंज रोवर विलार है अपने पास। तो बॉयज हम लोग आज खरीदेंगे रेंज रोवर विलार। भाई ज्यादा इसका प्राइस नहीं है लेकिन गाड़ी को हम लोग तगड़ा मॉड करेंगे, सुपर लग्जरियस गाड़ी है ना। डेढ़ मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को न... ओ लिटरली कौन सा कलर है आप लोग देखो, ओ भाई साहब खतरनाक कलर है भाई, खतरनाक मजा आ गया। ये कौन सा क्रिसमस का क्रिसमस एडिशन है, क्रिसमस एडिशन। ओके मैं थोड़ा बैक करता हूँ एंड देखता हूँ और क्या क्या है अपने पास यहाँ पर। थोड़ा ना मतलब लग्जरी कलर पे ही मैं रखना चाहता हूँ गाड़ी को, डेट्स वाई फिलहाल ब्लैक पे कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं यार, उसमें कोई मसला है नहीं, बाद में भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो बॉयज अभी मैं सोच रहा हूँ इस वाले कलर पे ही हम लोग परचेस करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट विद गोल्ड एलॉय। भाई कतई जहर दिखेगा अपना गाड़ी। भाई सबसे पहली बात, हम लोग अपने रेंज रोवर विलर को फुल ऑन ऑफ रोडिंग बनाएंगे, मतलब पावर तो होगा ही होगा, टॉर्क बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा गाड़ी पे क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनेगा ना। डेट्स वाई क्योंकि मट के ऊपर जब आ जाएगा गाड़ी, मिट्टी की वजह से गाड़ी का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी से निकल नहीं पाएगा एंड टॉर्क का भाई खेल बहुत ज्यादा होने वाली है। तो भाई टॉर्क पे थोड़ा मैं ध्यान के काम करूंगा, लाइक यहाँ पर इंजन पे अभी हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा ये सबको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा एंड यहाँ पर पावर हम लोगों का 8 kW बढ़ रही है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं फ्यूल सिस्टम पे, फ्यूल सिस्टम पे हम लोग खैर कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका हैंडलिंग वगैरह थोड़ा कम जा रही है भाई, थोड़ा कम हो रही है लेकिन कोई नहीं। चलो यहाँ पर इग्निशियन में ये सब कर सकते हैं हम लोग, एंड देन एग्जॉस्ट। भाई एग्जॉस्ट पे क्या चेंज करूं मैं, एग्जॉस्ट पे भी चेंज कर देता हूँ, वेट को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे, ऐसे वेट कम कर देंगे तो ना भाई हम लोगों का ऑफरोडिंग थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन पावर हम लोगों का ज्यादा मिलेगा। ओके तो गाइज आप लोग अपना जो रेंज रोवर विलर का अभी मतलब कंपैरिजन अगर देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर प्रीवियस हम लोगों का था 2100 यहाँ पर किलोग्राम का वेट था, अभी हो चुका है 1600 किलोग्राम, बहुत ज्यादा वेट कम कर दिया हम लोगों ने। भाई पीक पावर पहले था 280, अभी पीक पावर कर दिया 634, इससे भी ज्यादा हम लोग कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि गाड़ी को हम लोग फुल ऑफ रोडिंग बनाया एंड बाकी सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर 17,000 का खर्चा आया, तो 70,000 खर्चा करेंगे कोई मसला नहीं है, पैसा अपने पास बहुत ज्यादा है लेकिन अपना गाड़ी एकदम तगड़ा होना चाहिए ताकि मतलब ऑफ रोडिंग पे ना गाड़ी दौड़े भाई दौड़े, डेट्स वाई। ऑलराइट तो बॉयज अभी मैं ट्यूनिंग वगैरह करूंगा नहीं क्योंकि ट्यून कर दूंगा अपना गाड़ी तो अपना गाड़ी का ऑफ रोडिंग पूरा खत्म हो जाएगा, पावर बहुत ज्यादा मिल जाएगा कि, लेकिन भाई अपना जो ऑफ रोडिंग सिस्टम है ना वो भाई पूरा खत्म हो जाएगा एंड देन ऑफ रोडिंग सही से नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए आप लोग देख सकते हो अपना रेंज रोवर फाइनली रेडी हो चुका है। भाई इस कलर पे क्या मस्त दिख रही है भाई, सब लिटरली बहुत ज्यादा सही दिख रही है एंड अभी यहाँ पर हैंडलिंग वगैरह सही है, उतना भी खराब नहीं है, थोड़ा यहाँ पर गलत सीन है अपना हैंडलिंग लेकिन चलो कोई नहीं। ओके 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 अपना यहाँ पर रेंज रोवर विलार फाइनली ब्रो फाइनली, बहुत ही सही ब्रेकिंग एक बार चेक कर लेते हैं। ओ ओ ओ ओ सही ब्रेकिंग है, उतना भी सही नहीं है लेकिन हाँ हाँ ठीक ठाक है भाई, चल जाएगा अपना ब्रेकिंग जितना भी है। ऑलराइट तो बॉयज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी हाईवे के ऊपर, अभी एक बार टॉप स्पीड इस गाड़ी का चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो गाड़ी अपना टॉप स्पीड अगर जाएगा तो 380 से लेकर 390 तक तो पहुंच ही जाएगा क्योंकि मैंने भाई गाड़ी को टॉप एंड के लिए नहीं बनाया। पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि गाड़ी अपना टॉप एंड के लिए नहीं है, गाड़ी अपना यहाँ पर फुल ऑन ऑफ रोडिंग के लिए मैंने बनाया, नहीं तो भाई टॉप एंड के लिए बनाते तो ये गाड़ी भी 400 क्रॉस कर सकता है, वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी हम लोग चलेंगे भाई एक फॉरेस्ट से जगह पे जहाँ पर भाई धूल मिट्टी पानी भाई क्या कुछ नहीं है उस वाले रास्ते पे, फुल ऑन अपना गाड़ी का यहाँ पर ऑफ रोडिंग टेस्ट हो जाएगा। फिलहाल 7th गियर तक अपना गाड़ी पहुंच चुका है। भाई गाड़ी का मैंने शॉर्ट गियर नहीं बनाया, शॉर्ट गियर भी बना सकते थे लेकिन शॉर्ट गियर नहीं बनाया क्योंकि लग्जरियस गाड़ी है ना, शॉर्ट गियर बना देंगे तो गाड़ी पे भाई बहुत ज्यादा इंजन पे दिक्कत हो सकती है, दैट्स व्हाई मैंने शॉर्ट गियर पे नहीं बनाया गाड़ी एंड गाड़ी यहाँ पर फुल 340 तक तो पहुंच चुका है। भाई आप लोग देख सकते हो अभी तक नहीं पहुंचा लेकिन 340 टच कर दे भाई, हिल थोड़ा सा हिल आ गया ना, दैट्स व्हाई 340 नहीं टच कर पाया। अभी देखो देखो गाड़ी का हैंडलिंग कितना सही है, सही है यार हैंडलिंग सही है यहाँ पर। डेढ़ सौ ओ लो भाई कर लो बात, भाई गया भाई वो गाला गाड़ी गया, मेरा गाड़ी पे डैमेज देखो
क्या ही तगड़ा वाला डैमेज आया है। वैसे अभी रात होने वाली है तो एक काम करते हैं फटाफट गाइस, मैं फॉरेस्ट पे चलता हूँ। तब तक भाई फॉरेस्ट पे जाते जाते भाई सुबह भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, देन भाई आप लोगों से मिलते हैं। चलो ऑलराइट सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अपना भाई जो ऑफरोडिंग एरिया का लोकेशन था भाई, उस वाले लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड भाई साहब रात में आके मैं यहाँ पर थक चुका था, दैट्स व्हाई यहाँ पर इस वाले अपना घर पे सो गया था। एंड फाइनली अभी सुबह हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड अपना रेंज रोवर वेलर भाई क्या ही चमक रही है, सनराइज का जो रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। एंड भाई इसका टायर देखो फुल ऑन ऑफरोडिंग हम लोगों ने बना दिया, एलॉय भी बहुत ज्यादा सही दिख रही है। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई अभी मैं कौन सा वाला लोकेशन पे जाना वाला। देखो इस वाले अपना जो ट्रैक देख रहे हो ना, इधर पे फुल ऑन ऑफरोडिंग है। एंड देन यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग भी है। आज तो अपना रेंज रोवर विल्लर का भाई फुल ऑन यहाँ पर ऑफरोडिंग को लेके हर एक कुछ भाई टेस्ट हो ही जाएगा। एंड देखेंगे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अपना गाड़ी का, कितना दम है कितना क्या मॉड हम लोगों ने सही से किया सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग देख सकते हो अपना रेंज रोवर विल्लर भाई थर्ड गियर पे 150 क्रॉस। ओके चलो 150 क्रॉस। एंड इधर से हम लोगों को कौन सा वाला ट्रैक लेना पड़ेगा, इधर से ओके सीधा ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। एंड पानी वाला रास्ता किधर है भाई, सब पानी वाले रास्ते पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो बॉयज इधर से हम लोगों को लेना पड़ेगा राइट, एंड देन हम लोग पानी वाले रास्ता एंड देन ऑफ रोडिंग जो भी कहे हो आप लोग भाई, फुल ऑन ऑफ रोडिंग तो इधर पे ही होगा। एंड ओके 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 वेट अ मिनट, इधर पे कौन सा रास्ता जा रही है? ओके नहीं, ये वाला रास्ता तो सीधा उस वाले रोड पे ही हम लोगों को मिक्स कर देगा। तो अभी हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, फॉरेस्ट वाले रास्ता पे जा रहे हैं अभी हम लोग। भाई साहब चारों तरफ भाई साहब अलग ही जंगल आप लोग देख सकते हो। एंड पानी वैसे मुझे दिख नहीं रहा लेकिन ओके चलो पानी वाले रास्ते पे हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ये है बॉयज अपना पानी वाला रास्ता, देखो 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 व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। एंड सामने देखो भाई छोटा छोटा वाटरफॉल है, लगभग मतलब स्टेयर्स का तरह आप लोग देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हो वाटरफॉल नीचे की तरफ आ रही है। फिलहाल इधर से हम लोगों को अगर राइट लेंगे तो पूरा रास्ता ही पानी के ऊपर से ही जाएगा। तो थोड़ा तो अभी हम लोग वाटर टेस्ट करेंगे। ओ भाई लो कर लो बात गलत सीन। ओके चलो अपना शीशा, ओके चलो वाइपर ऑन हो गया, कोई नहीं कोई नहीं। एंड गाड़ी भाई सब फुल ऑन ऑफ रोड कर रही है आप लोग देख पा रहे हो। एंड भाई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होने वाले, पीछे वाला वाइपर भी ऑन हो चुका है। एंड पानी में ही अभी हम मैं ले चलूंगा गाड़ी को, देखेंगे भाई इंजन क्या गाड़ी का बंद होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रहे है भाई पानी के रास्ते पे, लिटरली भाई साहब 100 की स्पीड पे, बस इसका इंजन बंद ना हो जाए भाई, अगर इंजन सीज हो जाएगा ना गलत सीन हो जाएगा। फिलहाल आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर, ओ वाटरफॉल भाई साहब, वाटरफॉल से भाई नीचे कर दे क्या, कर दे क्या गाइस, क्या बोलते हो आप लोग? भाई सब खतरनाक वाला वाटरफॉल, लिटरली मैं जाऊंगा भाई, जो होगा देखा जाएगा लेकिन चलो अभी। ओ भाई बड़ा बड़ा पत्थर है, डेढ़ सौ यहाँ पर गाड़ी थोड़ा बहुत अटक रही है लेकिन फिर भी रेंज रोवर वेल्लर है ब्रो, नो डाउट भाई, गया गया अपना गाड़ी गया भाई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हम लोगों ने टेस्ट कर दिया अपना गाड़ी के साथ, लेकिन फिर भी अपना रेंज रोवर वेल्लर क्या ही परफॉर्म किया भाई साहब, पूरा वाटर क्रॉसिंग करके भाई अपना गाड़ी आ चुका है। इधर पे देखो मतलब इतना बड़ा सा पत्थर था बीच पे, फिर भी हम लोगों को कोई उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। अभी चलते हैं भाई साहब इस वाले रास्ते से ही, आप लोग देख पा रहे हो अपना फॉरेस्ट वाला जंगल रास्ता भाई साहब, खतरनाक सा रास्ता है। एंड अभी हम लोग इधर से ऊपर आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा गाड़ी को पानी के अंदर रखेंगे तो भाई गाड़ी का इंजन सीज हो सकती है, दैट्स व्हाई। फिलहाल यहाँ पर अभी आप लोगों को जो और नेक्स्ट फॉरेस्ट वाला रास्ता मैं दिखाना चाहता हूँ, रुको इस वाले रास्ते पे आप लोगों को ले चलता हूँ अभी। ऑलराइट ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग आ चुके हैं भाई फुल ऑन मड वाले रास्ते पे। एंड भाई मिट्टी ही मिट्टी है, देखेंगे अभी गाड़ी का टायर कितना क्या यहाँ पर चिपक के चल पाता है या स्किड कर जाता है वो अभी हम लोग देखेंगे। एंड इसका एलॉय तो देखो भाई बहुत ही जबरदस्त एलॉय है। एंड भाई सच में यार गाड़ी को चलाने का फील ही कुछ अलग है आप लोग देख पा रहे हैं। ऊपर से अपना गाड़ी भाई फुल ऑन डैमेज हो चुका है लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। मैंने आप लोगों को वीडियो के मतलब स्टार्टिंग पे ही बताया था कि गाड़ी को क्रैश टेस्ट भी करेंगे, आप लोग देख सकते हो इसका बिल्ड क्वालिटी कितना सही है। अभी तक इसका शीशा वगैरह कुछ भी फूटा नहीं है, बस क्रैक्स आया है नॉर्मल, बाकी उतना कुछ भाई खास डैमेज वगैरह नहीं हुआ कि एकदम से फूट गया अपना फेंडर वगैरह एंड देन बम्पर, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। एंड इसका जो साइड मिरर वगैरह आप लोग देख सकते हो ये भी भाई टूट चुका है, लेकिन कोई नहीं साइड मिरर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एंड अभी देखो भाई फर्स्ट वाले कैमरे पे देखो आप लोग क्या ही दिख रही है भाई साहब, फुल ऑन ऑफ रोडिंग के साथ। ओ वो वाटर क्रॉसिंग वापस से, लो कर लो बात, वाटर क्रॉसिंग सही से हम लोगों ने क्रॉस तो कर लिया। एंड इधर पे वापस से वाटर क्रॉसिंग भैया, हम लोग को जाने दो, लेट्स गो लेट्स गो। वो 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 भाई सब खतरनाक 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 ब्रो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक।
एंड फाइनली यहाँ पर ऑफ रोडिंग टेस्ट वगैरह तो अपने गाड़ी के साथ हो चुका है, आप लोग भी देखे। एंड वाटर क्रॉसिंग हो गया, ऑफ रोडिंग टेस्ट हो गया, हर एक चीज हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को ले चलते हैं भाई, एक तो ड्रैग रेस बनता ही है बाकी सारा गाड़ी के साथ। अभी देखेंगे क्या अपना जो रेंज रोवर विल्लर है, रेंज रोवर विल्लर क्या ऑफ रोडिंग तो सही से की, ऑफ रोडिंग तो सही से किया लेकिन रेस वगैरह सही से कर पाएगा या नहीं, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो फटाफट गाइज इस गाड़ी को ले चलते हैं अभी कोई एक रेसिंग एरिया पे। ऑलराइट, तो बस अभी तो हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया है जहां पर हम लोगों को रेस करने जाना है। तो फटाफट अभी गाइज उस वाले लोकेशन पे चलते हैं ब्रो, एंड देखते हैं क्या हम लोग अपने रेंज रोवर विल्लर को लेके रेस पे जीत पाते कि नहीं। ओके चलो हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं फाइनली, लेट्स गो फुल ऑन गाइज अपना रेंज रोवर विल्लर। अभी हाई एंड स्पीड पे गाड़ी जाएगा एंड देखेंगे देखेंगे, लेट्स गो। ओके ओके ओके, तो बॉयज फाइनली हम लोग आ चुके अपने रेसिंग पे एंड ये तो डर्ट रेसिंग है गाइस, डर्ट रेसिंग। चलो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को। ओके एंटर इवेंट करते हैं अभी। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो गाइस फाइनली अपना रेस स्टार्ट होने वाली है एंड भाई रेस पे हर एक गाड़ी भाई लैंड रोवर कंपनी का ही है, तो ये तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं भाई लैंड रोवर के साथ अपना रेंज रोवर भी है, मतलब लैंड रोवर का हर एक गाड़ी है, डिफेंडर से लेके ओल्ड मॉडल हर एक गाड़ी है। देखिए सबसे पहली बात हम लोगों को जाना पड़ेगा आगे वाले लेन पे। हाँ जी भैया साइड दे दीजिए थोड़ा, ओ लैंड रोवर डिफेंडर को ओवरटेक किया मैंने, रेंज रोवर विल्लर ब्रो, रेंज रोवर विल्लर। ओ भाई तो डिफेंडर को मैंने क्रॉस कर दिया, फाइनली फर्स्ट पोजीशन में आ गया। ओ भाई लिटरली फर्स्ट पोजीशन में आ चुका हूँ, लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ पर दिखा रही है 12 गाड़ी है भाई, 12 गाड़ी को आगे जाने देते हैं। कैसा कैसा गाड़ी है लैंड रोवर को वो देखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। ओ एक भाई रेंज रोवर विल्लर है, नहीं वो तो रेंज रोवर का ओल्ड मॉडल है। अभी मैं एकदम से लास्ट पोजीशन में हूँ। ओके बॉयज हम लोगों का जो मतलब रेस है 3 लैप के ऊपर होने वाली है, मैं लास्ट पोजीशन पे हूँ एकदम। अभी आप लोग देखो विल्लर का परफॉर्मेंस, विल्लर का परफॉर्मेंस देखना है क्या, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, खतरनाक खतरनाक। लो भाई कर लो बात, मैं 7 नंबर पे आ गया, नाइस नाइस नाइस। ये देखो एक रेंज रोवर विल्लर इधर भी है, इधर पे लैंड रोवर का ओल्ड मॉडल गाड़ी। हाँ जी भैया मुझे जाने दो, मैं फर्स्ट पोजीशन में आ गया ब्रो, फाइनली फाइनली मैं फर्स्ट पोजीशन में आ गया। बहुत ही कताई जहर ब्रो, कताई जहर, खतरनाक ड्राइवर हूँ भाई। एंड गाड़ी को मैंने बनाई है कुछ ऐसे कि गाड़ी एकदम तगड़ा परफॉर्म करे। एंड फाइनली अभी तक भाई फर्स्ट लैप ही हम लोगों को हो रही है अलग ही सीन, मुझे लगा भाई हम लोगों का सेकंड लैप स्टार्ट हो गया, लेकिन नहीं, मतलब एक भी लैप खत्म नहीं होने दिया। उसके बाद भी देखो मैं इतना ज्यादा पीछे था, फिर भी गाइस फिर भी पीछे होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन में आ चुके हैं। फिलहाल इधर से हम लोगों को लेना पड़ेगा लेफ्ट। वो गाड़ी अपना थोड़ा बहुत क्रैश हो रही है, लेकिन कोई नहीं ब्रो कोई नहीं, क्रैश तो होता रहेगा। एंड फाइनली जब हम लोगों का सेकेंड लैप स्टार्ट होगा, अभी ये लो सेकेंड लैप स्टार्ट हो चुका है, फाइनली सेकेंड लैप अपना स्टार्ट। एंड देन इधर पे वापस से ब्रो, वापस से अपना गाड़ी फुल ऑन दौड़ रही है भाई, आप लोग देख पा रहे हो। एंड कंट्रोलिंग देखो गाड़ी का, मस्त कंट्रोलिंग है यार। हाँ थोड़ा बहुत इसका हैंडलिंग और भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हाँ पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ब्रो। अगर पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो मिट्टी वगैरह से पानी वगैरह से गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। डेट्स व्हाई यहाँ पर मैंने टॉर्क वगैरह को इंक्रीज करने के लिए हैंडलिंग को थोड़ा कम करना पड़ा, क्योंकि हैंडलिंग मतलब हो जाती है यहाँ पर मॉडिफाइड करने के टाइम में, सब अप डाउन तो होता रहता है। फिलहाल अभी के लिए आप लोग देख सकते हो मैं सबसे आगे ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे आगे में ही हूँ। ओके चलो 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 भैया भैया, अपुन भाई सबसे आगे है ब्रो, सबसे आगे है। व्हाट अ पावर, रेंज रोवर विल्लर का क्या पावर है मैन, क्या ही पावर है, आप लोग भी देख सकते हो। मजेदार परफॉर्मेंस कर रही है भाई अपना रेंज रोवर विल्लर। ओ वो 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 खतरनाक ब्रो खतरनाक। अरे बाप रे बाप रे, गया गाड़ी अपना, गाड़ी गया भाई, क्रैश हो ही जाता अभी। चल मेरी जान जल्दी चल। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, एंड सामने ही अपना फिनिशिंग लैप है। ओके चलो 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 चलो, फाइनली मैं तो अभी तक भाई फर्स्ट पोजीशन में। इधर से वापस से लेफ्ट लेना पड़ेगा अपन को, एंड देन सामने ही अपना फिनिशिंग लाइन है। चलिए ब्रो चलिए, क्या कर रही है, मेरे पीछे ही है वो लोग, आप लोग देखोगे क्या, वो लोग मेरे पीछे ही है, देखो भाई साहब खतई जहर। एंड फाइनली गाइस यहां पर मैं जीत चुका हूं यार, थर्ड लैप भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, सेम लैप भाई करके कोई मतलब है नहीं। वैसे आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भाई लाइक नहीं करोगे तो दिल से बुरा लगता है, तो भाई फटाफट कर दो लाइक। एंड बाय बाय बॉयज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय।